हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिसंबर 2022 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए हेल्पफुल क्लासेस हैं, तो वीडियो को पूरी जरूर देख लेना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न ये है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, या माध्यमिक बाल्यावस्था, या पूर्व सक्रियात्मक बाल्यावस्था, या किशोरावस्था? बताएंगे सब लोग? सभी को गुड आफ्टरनून। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय था वो कौन सा है? तो वो है आपका किशोरावस्था। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना? किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच का जो होता है चरण, आपका किशोरावस्था कहलाता है, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से जो है किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, या पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, या सुई में धागा डालना, या चलना और दौड़ना? निम्न में से किसके लिए जो है स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थूल गामक कौशल के उपयोग की जो है आवश्यकता किसमें होगी, किसके लिए होगी? तो ये चलना और दौड़ने के लिए होगी। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, याद कर लेना आप लोग। बताइए समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? परिवार, या जो है स्कूल, या दोस्त, या जो है मीडिया? समाजीकरण की प्रथम संस्था है कौन सी? परिवार है। ऑप्शन यहां पे आपका जो है पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? बताइए, जीववादी सोच, या जो है पदानुक्रमित सोच, या केंद्रीकरण, या वर्गीकरण? यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो जीववादी सोच कहलाता है, ठीक है ना? ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अब जो है जैसे पहले ये अभिघटन और कारण वाले जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, अब आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके चलिए, अभिघटन ए क्या कह रहा है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। अब यहाँ पे कारण आर क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जो है रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, तो इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। जैसे यहाँ पे ए आर जो है आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसको पढ़िए, कारण को पढ़िए और यहाँ पे अभिकथन को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, चार वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। कारण आर क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, तो इसमें देखिए आपका कारण आर और अभिकथन ए दोनों सही है आपका, ठीक है ना? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे पहला वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जो है जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, इसको याद कर लेना आप लोग। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? यह है पाढ़ का, ठीक है ना?
ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप जैसे क्लास में शिक्षक व शिक्षिका हैं, एग्जाम हॉल में आप सपोज आप हैं, वहां पे बच्चों की आप हेल्प कर रहे हैं, तो वो कहलाता है पाढ़ कहलाता है, ठीक है ना। सिक्स का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जैसे दो क्वेश्चन में आपको बताया, एक पाढ़ वाला बताया, एक परिवार वाला क्वेश्चन बताया, तो ये क्वेश्चन हूबहू आपको सीटेट में हर वर्ष देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है, सहयोगात्मक अधिगम या क्रिया प्रशोध अधिगम या रटंत अधिगम या निष्क्रिय अधिगम, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग जो है प्रस्तावित करता है, कौन सा अधिगम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण या पूर्व परंपरागत चरण या परंपरागत चरण या पश्च परंपरागत चरण। एट का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, तो वो है आपका परंपरागत चरण, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा, सॉरी वेरी वेरी सॉरी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, परंपरागत चरण होगा, ठीक है ना। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होती है या शिक्षक केंद्रित होती है या विद्यार्थी केंद्रित होती है, बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है। और वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो में 50 लाइक हो जाने चाहिए, 50 लाइक। होप करता हूं कि आप 50 लाइक का जो है टारगेट पूरा कर देंगे। चलिए बताएंगे सब लोग, एक प्रगतिशील कक्षा है, शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है ना, एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो है प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, बताइए कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। पारस्परिक बुद्धि होनी चाहिए, 10 का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखना, शिक्षा केंद्रित आपका नहीं होगा, विद्यार्थी केंद्रित होगा, ठीक है ना। बाल केंद्रित हमेशा होता है, शिक्षा केंद्रित आपका निगेटिव होता है, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड की मैं वीडियो ला दूंगा, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, एनईपी 2020 के अनुसार जो है एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोच समझ के उत्तर देना, बिल्कुल सरल प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, केवल क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए या केवल हिंदी भाषा का या केवल अंग्रेजी भाषा का या बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। 11 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए हम जो है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 5 साल की जो है वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है, जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्धता या लिंग प्रासंगिकता। ये क्वेश्चन भी आपको सीटेट में ऐसे ही बिल्कुल देखने को मिलेगा, हूबहू आपको देखने को मिल जाएगा। 12 का जवाब दीजिए। ये लिंग रूढ़िबद्धता को जो है दिखाता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या होगा, अर्थपूर्ण सीखने को जो है बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, यह बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, यह सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है एक सकारात्मक रणनीति है, यह बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। 13 का जवाब देंगे सब लोग। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए सब लोग। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना जो है
बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, ठीक है ना, उन्हें वर्गों में बांटने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के जो है आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, या केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, या साल के अंत में बच्चों का जो है मूल्यांकन करना और उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना। यहाँ पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए केवल आपको दिख गया तो ये आपका निगेटिव है तो कट जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही होगा कि सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। ओके, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को जो है जो किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। योगात्मक, रचनात्मक, मानकीकृत या मानक संदर्भ में मूल्यांकन, इसका राइट आंसर दीजिए सब लोग। 15 का राइट आंसर क्या होगा? फिफ्टीन का जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन बी जो आप दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, या केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, या बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, या खास जरूरतों वाले बच्चों के विशेषता के विशेषक के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। इसकी पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाओगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है, बच्चों की यहाँ पे जो है विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, यही भूमिका है शिक्षिका की। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान रखना चाहिए। हर विद्यार्थी को जो है स्वीकारना व सम्मान देना, या सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना, या सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, या अप्रत्यक्ष निर्देश देना, या विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा बताइए सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, हर विद्यार्थी को स्वीकारना है व सम्मान देना है, ठीक है ना, और क्या करना है, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना है, और विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, पांचवा आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शनी और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, या बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, या बहुत सी संरचित जो है संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। 18 का जवाब दीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो कई प्रकार की स्पर्शनी और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, बताएंगे सब लोग। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, स्वालीनता का, अवधान न्यूनता, अभिक्रियाशीलता विकार का, या पठन वैकल्य का, या गुणज वैकल्य का। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, स्वालीनता का है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि शिक्षक जो है बच्चों को विभिन्न रंगों वाली
चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में किसको बढ़ावा देना चाहती हैं, सृजनात्मकता को या रटना को या असहयोग को या अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना चाहती हैं? प्रश्न को फिर से पढ़िए, फिर आप लोग जवाब दीजिए। तो यहां पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा, सृजनात्मकता को जो है बढ़ावा देना चाहती हैं, ठीक है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता या संवेगात्मक कौशल या अमूर्त तर्क, कौन कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बताएंगे सब लोग? तो यहां पे शारीरिक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए और सामाजिक कौशल पर भी, संज्ञानात्मक क्षमता पर भी और संवेगात्मक कौशल पर, इन चारों पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अमूर्त नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो कि रचनावादी कक्षा में जो है अर्थपूर्ण सीखना क्या है, जानकारी के भंडारण का जो है उपयोग करना या जो है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया करना या इनाम व सजा के प्रयोग से होता है या बारंबार वेधन और अभ्यास से होता है। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, ठीक है ना, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाठ, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण, पूर्वाभ्यास या प्रत्यक्ष निर्देश, क्या कहलाएगा वो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी इसी टाइप का बिल्कुल प्रश्न करवाया हूं, वो पाड़ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पाड़ कहलाएगा, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अविकथन ए क्या है कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, तर्क आर क्या कहला है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा बताना है आपको, ये रीजनिंग वाले प्रश्न होते हैं, पहले नहीं पूछे जाते, जब से ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं तब से ये रिपीट होने लगे हैं फिर से। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती हैं, बिल्कुल सही है आपका। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, बताइए क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, ये जो है बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। 25 का ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अविघटन और तर्क वाला प्रश्न फिर से आ गया है, फिर आप लोग पढ़िए अविघटन को, फिर तर्क आर को पढ़िए, इसकी पीडीएफ दे दूंगा तो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, दोबारा रिवीजन जरूर कर लेना इसका। अविघटन क्या कह रहा है कि यहां पे विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है, विद्यार्थियों की असफलता को नहीं दर्शाती है, यह शिक्षक की असफलता को दर्शाती है, तो यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, ये तो पहले ही आप लोग पढ़ के बता दिए हो कि खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों आपका गलत हो जाएगा, तो चौथा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा भाव नहीं है यहाँ पे, बताइए यहाँ पे स्मृति है, क्रोध है, प्यार है, भय है, तो इसमें भाव कौन सा नहीं है, भाव।
27 का जवाब दीजिए सब लोग। तो स्मृति आपका यहां पे भाव नहीं है, स्मृति ऑप्शन यहां पे आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों में जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ावा देकर, या बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जवाब दीजिए सब लोग। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती हैं? तो वो कर सकती हैं बच्चों को जो है सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता, या अधिगम में बाधा डालता है, या से संबंधित नहीं है, या स्वस्थ अधिगम को सुसाधित करता है। तो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वस्थ अधिगम को क्या नहीं करता या क्या करता है? तो ये जो है स्वस्थ अधिगम को जो है सुसाधित करता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, या योग्यता की कमी, या कोशिश की कमी, या कठिन भाग्य? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। तो कोशिश की कमी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मेहनत सही से नहीं की। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी क्लास। कैसी लगी क्लास? 30 में से आपके जो है कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, जरूर से जरूर अपना स्कोर आप लोग बताना, ठीक है। ये क्लास आपकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। सीटेट एग्जाम की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 वाली में। बाय बाय, टेक केयर।